सो आवर नेचुरल सेकेंड इंडिकेटर इज टर्मरिक, बिल्कुल सही, जो हल्दी हम खाते हैं. दिस टर्मरिक पाउडर इज अगेन हेल्पफुल इन नोइंग वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. सो अब ये एक्चुअली टर्मरिक कैसे हेल्पफुल रहती है किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर पता करने के पीछे. आपने कभी देखा होगा खाना खाते समय, यस ड्यूरिंग द लंच, कभी सब्जी आपके शर्ट पर गिर गई है, बिल्कुल. और जब आप मम्मी को देने जाते हैं तो मम्मी बड़ी चिढ़ती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं. फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ द स्टेन्स एंड सेकेंड इज द टर्मरिक. वो अपना दाग या स्टेन्स नहीं छोड़ती है. और जब भी आप ये स्टेन वाला शर्ट किसी भी सोडा या वॉशिंग सोडा में डालते हैं, डिटर्जेंट में डालते हैं, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या? बिल्कुल सही, वो जो स्टेन होता है येलो कलर का, दैट कन्वर्ट्स और चेंजेस टू रेड. बिल्कुल सही, हल्दी इसी तरह से आपको हेल्पफुल रहती है किसी भी सब्सटेंस को, स्पेशली बेसिक सब्सटेंस के पता करने के लिए. एक्चुअली जब भी हम यूज करते हैं टर्मरिक को एज अ नेचुरल इंडिकेटर, एसिडिक कभी भी सब्सटेंसेस इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही न्यूट्रल सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं. सो आप सिर्फ क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन से सब्सटेंसेस बेसिक नेचर के हैं विद द हेल्प ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन और टर्मरिक पेस्ट. डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द नेचुरल इंडिकेटर नंबर 2 एंड दैट इज टर्मरिक सॉल्यूशन. यस, आप इसे बहुत इजीली घर में बना सकते हैं. मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं. फॉर एसिडिक सॉल्यूशन आई हैव टेकन लेमन जूस, जो कि आप नींबू से बना सकते हैं. द सेकेंड सॉल्यूशन दैट आई हैव टेकन इज द सोप सॉल्यूशन. एंड फॉर द न्यूट्रल वन आई हैव अगेन टेकन द सॉल्ट सॉल्यूशन. अब आपको बता दें कि जब भी कोई एसिडिक सॉल्यूशन टर्मरिक से मिलता है तो इट प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट कलर. नो, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी कलर, ओनली इट रिएक्ट्स विद द बेसिस एंड देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन व्हेन इट इज रिएक्टेड विद एनी एसिडिक सॉल्यूशन और एनी न्यूट्रल सॉल्यूशन. लेट अस टेक द टेस्ट ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आई एम टेकिंग द लेमन जूस विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर. आइए देखते हैं कि किस तरह से ये टर्मरिक का सॉल्यूशन इधर कलर चेंज करता है और अनचेंज रहता है. मैं ऐड करती हूँ इस लेमन जूस को इस टर्मरिक सॉल्यूशन में. क्या कोई चेंज है कलर में? नो. सो इट शोज दैट वेन एवर एनी एसिडिक सॉल्यूशन इज एडेड टू द टर्मरिक सॉल्यूशन, द कलर रिमेन अनचेंज्ड. लेट अस नाउ टेक द सेम इंडिकेटर विद द सेकेंड सॉल्यूशन एंड द सेकेंड सॉल्यूशन इज द सोप सॉल्यूशन. यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट क्लीनिंग द ड्रॉपर्स अगेन एंड अगेन, बिकॉज देन ओनली यू कैन गेट द प्रॉपर रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी. आई एम टेकिंग द सोप सॉल्यूशन नाउ. इस सोप सॉल्यूशन को जब मैं ऐड करती हूँ अपने टर्मरिक सॉल्यूशन में तो देखते हैं क्या होता है. यस, यू आर राइट, द कलर हैज चेंज. कौन सा कलर है ये? बिल्कुल सही, इट इज रेड इन कलर. आपने कई बार देखा होगा ना आपके स्कूल के शर्ट्स में, जब आप सब्जी के स्टेन्स गिरा लेते हैं और उस पर जब आपकी मम्मी वॉशिंग करते समय वॉशिंग सोडा या डिटर्जेंट्स यूज करती हैं तो बिल्कुल यही स्टेन दिखता है आपके शर्ट्स पर. यस, और इसीलिए आपको डांट भी पड़ती है. सो वी कैन एक्चुअली कंक्लूड दैट जब भी कोई बेसिक सॉल्यूशन को हम टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो कलर चेंज होता है येलो से रेड. लेट अस नाउ टेक द सेम एक्टिविटी विद द सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड दैट इज द सॉल्ट सॉल्यूशन विच आई हैव टेकन हियर. अगेन क्लीन द ड्रॉपर एंड टेक द सॉल्ट सॉल्यूशन. अब मैंने फिर से इस टेस्ट ट्यूब, मेरी थर्ड टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट सॉल्यूशन को ऐड किया है एंड इट इज न्यूट्रल. सो इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन? बिल्कुल नहीं, टर्मरिक सॉल्यूशन का कलर नहीं चेंज हुआ है. सो व्हाट यू कैन कंक्लूड विद दिस ऑल? आप देख रहे हैं सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब में ही कलर चेंज हुआ है, जिसमें हमने सोप सॉल्यूशन ऐड किया था. एंड दिस शोज दैट बेसिस एक्चुअली चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन.
This was our second indicators. So you can perform all this activity with the different solutions like sugar solution, baking soda, vinegar and lime water. Do observe what are the changes in the color and also write down the same in the tabular form. Yes, all the very best for the activities. Let's come up with the new activity now. आइए देखते हैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन जो हमने किया था उसी के थ्रू इस टेबुलर फॉर्म में कि कौन कौन से सब्सटेंसेस थे जिन्होंने टर्मरिक के टेस्ट के थ्रू बताया कि दे आर बेसिक इन नेचर. जब हम बात करते हैं लेमन जूस की, अब आपको पहले ही पता है इस एसिडिक इन नेचर, बट जब हमने उस एसिडिक सॉल्यूशन में टर्मरिक सॉल्यूशन को ऐड किया था सो देयर वॉज एनी चेंज? No, there was no change in it. And the reason was again because it was not basic in nature. Aapko pata hi hai, this is acidic in nature. When we are talking about soap solution, wahi sabun ka jo aapne pani banaya tha ya solution banaya tha, usme jab aapne turmeric solution ko dala tha, so koi change hua tha? Bilkul wahi, jo shirt par hua tha. The red stain, yes. जब हम soap solution में turmeric solution को add करते हैं, so yellow color of turmeric solution changes to red, and it depicts that this soap solution is basic in nature. When we are taking the third solution, that is salt solution, जो common salt का solution था, उसमें turmeric सॉल्यूशन को ऐड करने से कोई चेंज देखने को मिला था? बिल्कुल नहीं. बट वी आर अवेयर ऑफ दैट ईदर दिस इज एसिडिक और न्यूट्रल, क्योंकि बेस होता तो जरूर टर्मरिक सॉल्यूशन का कलर चेंज हो चुका होता. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कॉमन सॉल्ट इज न्यूट्रल. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में भी जब आप वापस से टर्मरिक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं सो टर्मरिक सॉल्यूशन का येलो कलर वैसा ही रहता है, शोइंग दैट इट इज अगेन न्यूट्रल इन नेचर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में जब आपने टर्मरिक सॉल्यूशन डाला था क्या ऑब्जर्वेशन था आपका? बिल्कुल सही, जो टर्मरिक सॉल्यूशन था वो चेंज हो गया था येलो से रेड में. सो इट चेंज्ड टू रेड एंड दिस शोज दैट बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर. अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट सब्सटेंस और द सॉल्यूशन दैट वी हैव टेकन, विनेगर. विनेगर में जब हमने टर्मरिक सॉल्यूशन ऐड किया था देयर वॉज नो चेंज. And this shows that it is either a acid or a base. Again, vinegar, मैंने बताया था आपको, it is comprising of acetic acid. So, vinegar is acidic in nature. When we are talking about lime water, it again changed the color of yellow solution to red. And it again shows that lime water is basic in nature. Hope this table is very helpful for actually knowing how the turmeric solution is helpful for knowing that the solution or the substance is basic in nature or not.